हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, यहाँ पे ये एक बच्चे का स्वेटर है, 1 साल के बच्चे का ये स्वेटर है। और इसको मैंने मिक्स बूल में बनाया है, जो मिक्स कलर वाली बूल आती है ना, बेबी बूल, उसमें बनाया है। वर्धमान की ये बूल है और इसमें मैंने बीच में 9 नंबर की सिलाइयाँ यूज़ की हैं डिज़ाइन के लिए, और बॉर्डर के लिए 10 नंबर की सिलाइयाँ यूज़ की हैं। और फ्रेंड्स, इसमें ये एक बटन वाला है, गले में वन बटन टेक का है ये स्वेटर। और ये बीच में मैंने इसमें 2 डिज़ाइन जो हैं वो शेयर किए हैं, जो डिज़ाइन मैं वैसे भी वीडियो डाल चुकी हूँ चैनल पे भी, मेरे में वीडियो है और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक जो है वो दे दूँगी अगर आपको चाहिए तो। और यहाँ पे मैंने एक डिज़ाइन जो ये वाला भी बाजू में डाला है, ये वाला डिज़ाइन जो है मैंने यहाँ पर भी आपको बना के दिखाया है। और इसको कैसे बनाना है, किस तरह से, इसका फुल मेज़रमेंट मैंने यहाँ पे आपको दिया है, किस तरह से मैंने इसको बनाया, तो वो मैंने आपके साथ सारा यहाँ पर शेयर किया हुआ है। और ये बहुत ही प्यारा स्वेटर बन के आया है, ये एक बटन का स्वेटर है, और इसको आप ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं, कैसे मैंने इसको बनाया है। फ्रेंड्स, इस स्वेटर में आप आइडिया ले सकते हैं, बड़ा और छोटा स्वेटर दोनों बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने यहाँ पर ये 1 साल के बच्चे का स्वेटर किस तरीके से बनाया है वो मैं आपको ये बता देती हूँ। बनाने का यहाँ पे मतलब कुछ हिस्सा मैंने बनाया है जो आपके साथ शेयर करना है, वो आगे मैं पूरा यहाँ पे शेयर करूँगी, और ये भी आपको बताऊँगी कि मैंने ये कितना यहाँ पे बनाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, ये इसका बैक पार्ट है इस स्वेटर का, और इसमें मैं आपको बताती हूँ कि इसकी जो लेंथ मैंने ली है यहाँ पर, तो ये है मेरे पास 11 इंच, 11 इंच मैंने इसकी लंबाई ली हुई है। और यहाँ पर फ्रेंड्स, ये कंधों के इसके ऊपर जो है ये यहाँ पर 4 साढ़े 4 इंच के करीब, 4.5 इंच यहाँ पर इसकी कटिंग के बाद, ये आर्म होल की कटिंग के बाद मैंने इसको ऊपर को बनाया है। और यहाँ पर मैंने नीचे से बॉर्डर से जो फंदे रखे हैं वो रखे हैं 69 स्टिचेस जो हैं मैंने इसमें रखे हैं यहाँ पर देखिए। तो ये जो है ना 69 इसलिए रखे हैं, एक तो मैंने इसमें लगाई है 9 नंबर सिलाई, और दूसरा जो डिज़ाइन है ना ये बहुत ज़्यादा खुलने वाला डिज़ाइन है। और 69 इसलिए रखे हैं क्योंकि इस डिज़ाइन में मेरा जो जो फंदे सेट होते हैं ना, डिज़ाइन जितने फंदों में सेट होता है उसी हिसाब से मैंने ये यहाँ पर रखे हैं। देखिए ये डिज़ाइन बिल्कुल यहाँ पे सेट होके आया है जितना ये है। और इस डिज़ाइन का वीडियो मेरे चैनल पे है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं अगर आपको ये डिज़ाइन डालना होगा तो। और यहाँ पर मैंने एक सीधे और एक उल्टे का बॉर्डर यहाँ पे बनाया है नीचे, और ये बॉर्डर जो मैंने यहाँ पे बनाया है ये है, ये 1.5 इंच के करीब है ये बॉर्डर, उसके बाद मैंने यहाँ पे डिज़ाइन शुरू कर दिया है। और इसमें कोई फंदा मैंने यहाँ से इसके ऊपर बढ़ाया नहीं है, जितने फंदे नीचे से रखे हैं इतने ही ऊपर से रखे हैं। और यहाँ पर डबल धागे का जो बॉर्डर है वो मैंने इसमें डाला है। और यहाँ पर देखिए इसकी जो लेंथ है वो मैंने बैक पोर्शन की आपको बता दी है कि बैक पोर्शन कितने का पूरा है कंप्लीट, ये 7 इंच बना है। और अब मैंने इसकी आर्म की कटिंग करनी है, यहाँ पे आर्म होल की कटिंग करनी है जो कि मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगी। और उसके बाद बाजू को भी हमने किस तरह से बनाना है वो भी मैं बताऊंगी, और ऊपर हमने यहाँ पे बटन वाला गला बनाना है गोल, और आगे बटन वाला गला, तो उसकी कटिंग भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि हमने किस तरह से वो गला यहाँ पे बनाना है। तो ये हमारा जो है ये कम्प्लीट हो चुका है बैक वाला पोर्शन। और इसमें फ्रेंड्स देखिए, नीचे मैंने अलग डिजाइन डाला है और ऊपर मैंने थोड़ा सा यहाँ पे हनीकॉम का ये डिजाइन डाला है, हनीकॉम जो डिजाइन होता है ना वो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, और इसका वीडियो मेरे चैनल पे मैं डाल दूंगी, या इस एक बार मैंने डाला भी हुआ है उसका लिंक यहाँ पे शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरह से है। तो अब हमने ये जो है हमारा, इसका हमने आगे आर्म होल की कटिंग करनी है, तो वो मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको कि किस तरह से हमने करनी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने बैक पोर्शन की जो करी है उसमें मैंने 4 और 3 2 1 का किया हुआ है, तो वो भी मैंने वही इसमें भी मैंने उसी तरह से करना है। तो देखिए पहले फंदे को हमने ऐसे स्लिप किया, और उसके बाद हमने यहाँ पर ये एक फंदा बुना और पिछले फंदे को इसके ऊपर से ऐसे पास कर दिया, एक फंदा हमारा यहाँ पे कम हो गया। अब एक फंदा और बुना, फिर इस पिछले वाले फंदे को पास कर दिया, तो 2 हो गए, ये 3 हो गए, इसी तरह से, और ये यहाँ पर 4 हो गए, ये 4 यहाँ पर हो गए। और अब हमने आगे इसमें दूसरा डिज़ाइन सेट करना है जो कि मैंने आपको बताया,
वो डिज़ाइन मैंने यहाँ पे जो ये डिज़ाइन ऊपर डाला है ना हनीकॉम, यही मैंने इसमें सेट करना है। तो यहाँ पे देखिएगा हमने किस तरह से इसको बनाना है, और वैसे मैंने इसका वीडियो भी डाला हुआ है तो वो भी आप देख सकते हैं अलग से। तो देखिए यहाँ पे दो फंदे जो हैं वो हमने ऐसे सीधे ही ये बुन लेने हैं, और आगे एक फंदा हम यहाँ पे उल्टा बुनेंगे, उसके बाद एक फंदा ऐसे उतारेंगे, इसके ऊपर से ऐसे धागे को घुमा के ले लेंगे। अब एक फंदा बुन लेंगे, एक फंदे के ऊपर से ऐसे धागे को घुमा के ले लेंगे, फिर एक फंदा बुन लेंगे, फिर धागे को ऐसे घुमा के ले लेंगे और फंदे को उतार देंगे, फिर एक फंदा बुन लेंगे, फिर ऐसे उतारेंगे, इसके ऊपर से ऐसे धागे को घुमा के ले लेंगे। बस ऐसे ही ना हमने ये सारी सिलाई में करते जाना है। एक फंदा हमने बुनना है और दूसरे फंदे को बिना बुने ऐसे उतारना है और उसके ऊपर से ऐसे धागे को घुमा के ले लेना है, फिर एक फंदा बुन लेना है। फिर ऐसे फंदे को उतार लिया और धागे को ऐसे इसके ऊपर से घुमा लिया, इसको बुनना नहीं बस ऐसे खाली उतारना है। फिर एक फंदा उल्टा बुन लेना है, फिर एक फंदा उतारा, उसके ऊपर से धागे को ऐसे घुमा लिया। सिलाई हमारी उल्टी ही चलेगी, बस एक फंदा बुनना है और एक के ऊपर से धागे को ऐसे इस तरह से घुमा के लेना है। तो यही हमने ना एंड तक करते हुए जाना है। फिर एंड में जब हम यहाँ पर ये तीन चार फंदे रह जाएंगे, यहाँ तक हमने बनाना है इसको। इसके बाद हमने आगे इसकी कटिंग करनी है बैक साइड पे जब आ जाएंगे तो इस पे डिज़ाइन नहीं हम डालेंगे, बस यहाँ तक ही हम ये डिज़ाइन डालेंगे। तो इसी तरह से यहाँ तक बुनते हुए जाना है। तो फिर देखिए हम आगे लास्ट में आगे हैं, ये चार फंदों को हम अभी घटा देंगे अगली साइड पे जब घूम जाएंगे रॉन्ग साइड पे, और बाकी फंदों को हमने ऐसे ही इन दो को हम सीधा बुन लेंगे इस तरह से, और बाकी फंदों को हम ऐसे उल्टा उल्टा बुन लेंगे। इसके पीछे तक हमने डिज़ाइन को पूरे को सेट कर दिया। अब हम आ जाते हैं इसकी रॉन्ग साइड पे। तो रॉन्ग साइड पे फ्रेंड्स हमने देखे यहाँ पे चार फंदे घटाने हैं, जैसे हमने दूसरी तरफ पे घटाए ना वैसे ही आर्म होल की कटिंग हमने चार फंदे यहाँ पे कट करने हैं। तो ये देखिए एक हो गया ये, फिर इस फंदे को उठाएंगे, इसके ऊपर से ऐसे पास कर देंगे दो, यहाँ पे तीन और ये चार, चार फंदे यहाँ पे कट हो गए। अब धागे को अपनी तरफ करना है और आगे के दो फंदे उल्टे बुनने हैं, दो फंदे उल्टे हो गए। अब फ्रेंड्स देखिए इस डिज़ाइन को हमने जो धागा लपेटा था ना वो देखिए इस तरह से इसको ऐसे उतार लेना है, इसको बुनना नहीं है। अब अगले दो फंदे उल्टे बुन लेने हैं, एक दो, फिर जो लपेटा था उसको ऐसे उतार लेना है और आगे के दो फंदे उल्टे बुन लेने हैं। बहुत ज़्यादा इजी डिज़ाइन है। फिर एक उतार लिया, जो लपेटा हुआ धागा है वो साफ साफ दिखेगा आपको, और दो फंदे उल्टे, फिर ऐसे उतार लिया, फिर दो फंदे उल्टे, फिर ये लपेटा हुआ फंदा ऐसे उतार लिया और दो फंदे उल्टे। तो इसी तरह से ना हमने एंड तक इसको बुनते जाना है। ऐसे उतार लिया और दो फंदे आपने यहाँ पर उल्टे बुन लेने हैं। ये देखिए इसको उतार लिया, ये डिज़ाइन लगता बहुत अच्छा है और इसमें कम फंदों में बहुत ही बड़ा स्वेटर बन जाता है, चौड़े चौड़ा बन जाता है काफ़ी खुला खुला स्वेटर। इसमें हमें कम फंदे रखने पड़ते हैं, ज़्यादा फंदे नहीं रखने हैं इसमें। जितने फंदे हम नॉर्मली रखते हैं उससे 10 फंदे हम कम रखेंगे तो हमारा स्वेटर जो है बिल्कुल ठीक आता है। अगर हम पूरे पूरे फंदे रखते हैं ना तो बहुत बड़ा स्वेटर बन जाता है इस तरह की बुनाई में। तो ये कम फंदे रखें और उस तरह से इस डिज़ाइन को आप डाल सकते हैं। देखिए तो इस तरह से हम ये सारी सिलाई ख़त्म करते हैं। अभी देखिए हमने यहाँ पे पहले चार फंदे कम किए थे, अब इसकी सीधी साइड पे आ गए हैं तो अब हमने यहाँ पे तीन फंदे कम करने हैं। तो ये देखिएगा इस तरह से फंदे को बनाया और अब ये एक हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा ये दो, और यहाँ पर ये डिज़ाइन वाला है इसको भी हम साथ में से बुन लेंगे। तो ये हो गए तीन, तीन फंदे हमारे यहाँ पे कम हो गए। अब हम धागे को अपनी तरफ करेंगे और आगे हमने अपने डिज़ाइन को वैसे चलाना है जैसे हम चलाते आ रहे हैं। तो एक फंदा सीधा इसको ऐसे बिल्कुल नॉर्मली उल्टा बुन लिया हमने। अब ये दो फंदे एक साथ दिख रहे हैं, ये लपेटा हुआ धागा और इसके साथ एक फंदा, इनको हमने दोनों को एक साथ उल्टा बुन लेना है। अब ये एक फंदा दिख रहा है इसको ऐसे उतारेंगे और इसके ऊपर से ऐसे लपेट देंगे। ये दो फंदे हैं एक साथ, इन दोनों को एक साथ बुन लेना है। जो सिंगल फंदा दिख रहा है उसको ऐसे उतारना है, इसके ऊपर से हमने ऐसे लपेट देना है, और दो आगे के एक साथ दिख रहे हैं इनको दो का एक कर देना है,
फिर ये सिंगल फंदा इसके ऊपर से उतार के ऐसे ले लिया और अगले दो फंदे इनको एक साथ बुन लिया। अब यहाँ पे ये सिंगल फंदा है, इसको उतार के ऐसे लपेट के ले लिया और आगे के दो फंदे एक साथ बुन लिए। फिर एक फंदा उतारा, इसको लपेट के ले लिया और ऐसे एक दो का एक कर दिया। अब यहाँ पे इसको फिर से अकेले फंदे को ऐसे उतार लिया और इसके ऊपर से धागे को ऐसे लपेट दिया, दो फंदों को एक साथ बुन लिया। जो ऐसे दिखेंगे ना आपको, एक के ऊपर एक जैसे दिखेंगे, उन दोनों को आपने एक साथ बुनना है। और ये जो अकेला फंदा है इसके ऊपर ये तीसरी सिलाई में इस तरह से दोबारा डिज़ाइन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ऐसे और दो का एक कर दिया, फिर ऐसे उतारा, इसके ऊपर से फिर लपेट के ले लिया और दो का एक ले लिया। तो इस तरह से एक डिज़ाइन क्लोज हो जाता है और एक डिज़ाइन शुरू हो जाता है। वैसे ही इसमें किया, वैसे ही बैक साइड पे भी हमने इसी तरह से जैसे पहले बनाया सेकंड रो बनाई, वैसे ही हमने इस तरह से फोर्थ रो भी बनानी। तो ये ले लिया, अब यहाँ पे इसको उतार के ले लिया और इसके ऊपर से ऐसे ये लपेट के ले लिया। तो इस तरह से हो गया। अब ये दो दो का एक इस तरह से, तो इसी तरह से फ्रेंड्स एंड तक जाएंगे बनाते हुए। तो फ्रेंड्स इस साइड से भी अब हमने यहाँ पर लाइन, ये चार फंदे पहले कम किए थे, अब तीन फंदे हम यहाँ पे कम करेंगे। तो यहाँ पहले फंदे को स्लिप करेंगे और यहाँ पर धागे को पीछे करेंगे और यहाँ पर ये देखिए इस तरह से एक, ये दो और ये तीन। तो ये तीन फंदे हमारे यहाँ पे कम हो गए इसी तरह से। और बाकी फंदों को हमने उसी तरह से बुनना है जैसे हमने सेकंड रो बुनी थी ना, एक फंदे को स्लिप करके दो उल्टे, ये स्लिप किया और दो फंदे उल्टे बुने। तो इस तरीके से ही सारी सिलाई को हमने आगे तक बुनते हुए जाना है। ये देखिए इस फंदे को जो लपेटा हुआ है उसको स्लिप कर लिया और आगे के उल्टे। तो इस तरह से ये सारा सिलाई ख़त्म कर। तो फ्रेंड्स अब हमने यहाँ पे तीन कम, चार कम किए थे फिर तीन किए थे, अब हम दो करेंगे फिर एक करेंगे। तो इस तरह से ना मैं इसको ऊपर तक बना लेती हूँ, ये ऐसे कम कर लेती हूँ, फिर आगे मैं आपको गले की पट्टी बताऊंगी कि किस तरह से हमने इनको बनाना है। तो फ्रेंड्स देखिए अब हमारी जो इसकी घटाई है वो कम्प्लीट हो गई इधर दोनों तरफ से। तो अब हमने देखिए ना इसका जो गले का है वो अब हमारे पास बच जाते हैं, इसमें 48 फंदे बच जाते हैं इसमें। तो हमने 20 और 20 इधर इधर को रख लेने हैं दोनों तरफ को, और 8 फंदे हम बीच में पट्टी के रख लेंगे। तो इस तरह से देखिएगा कैसे हम करेंगे। तो ये पहले फंदे को हमने स्लिप किया, उसके बाद आगे डिज़ाइन को हम उसी तरह से सेट करते चलेंगे जैसे हमारा है। तो ये फंदों को साथ साथ कोंट भी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये दो फंदे हमने बना लिए, उसके बाद ये तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, ये बीस। ये देखिए हमारे यहाँ तक हो गए 20 फंदे, ठीक है। उसके बाद हमने ये 20 फंदे इधर को ले लेने हैं और बीच में हमारे बचेंगे 8 फंदे। तो वो 8 फंदों को ना हमने यहाँ पे उल्टे सीधे का जैसे हमने बॉर्डर बनाया है, नीचे बॉर्डर बनाया है ना, उसी तरह से हमने यहाँ पे इनको बनाना है। तो अब धागे को हम पीछे करेंगे और ये जितने फंदे हमारे पास 8 फंदे होंगे उनको हमने ऐसे सीधा और उल्टा ले लेना है। तो पहला फंदा मैंने सीधा बनाया, उसका धागे को आगे किया, फिर ये उल्टा, फिर धागा पीछे किया, सीधा, यानी कितने हो गए हमारे पास ये 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। यहाँ पे ये 8 फंदे हमारे पास हो जाते हैं। तो उसके बाद हमने यहाँ पर 20 फंदे आगे इसके रख लेने हैं, 20 फंदे ही इस साइड को बच के और 20 फंदे ही इस साइड को बच के, और बीच में हमारे 8 फंदे जो हैं वो बटन पट्टी के हो जाते हैं। तो यहाँ पे
इस तरह से देखिएगा, ये हमारे इनको हमने इसी तरह से बुनना है, और बाकी हमारे आगे जो हैं वो पूरे डिज़ाइन में वैसे ही चलेंगे जैसे हम आगे चलाते आ रहे हैं। तो ऐसे ही हमने इसको एंड तक बुनना है। तो ये हमारा देखिए डिज़ाइन का फंदा है, तो इसको हमने ऐसे बनाना है, और बाकी फंदों को हमने पूरे इसी तरह से जैसे हमारा डिज़ाइन चल रहा है उसी तरह से हमने इनको बनाते जाना है। एक धागा ऐसे लपेट देना है और दूसरे दो फंदों का हमने एक यहाँ पे कर देना है। तो इसी तरह से एंड तक बनाते जाएंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम उल्टी साइड पे आ गए हैं। तो उल्टी साइड पे देखिए, पहले फंदे को स्लिप करना है हमने, और एक फंदा हमने यहाँ पे उल्टा बुन लेना है। अब हमारी यहाँ पे घटाई कंप्लीट हो चुकी है, तो उसको हमने आगे ऐसे ही बुनना है। अब ये डिज़ाइन के फंदे हैं, तो उस तरह से डिज़ाइन सेट करते हुए जाना है। तो एक फंदे को उतार लिया, दो को उल्टा बुन लिया, फिर यहाँ पे उतार लिया, यहाँ पे दो को उल्टा बुन लिया, फिर यहाँ पे ये दो को उल्टा, एक को उतार लिया, फिर दो को उल्टा बुन लिया। जहाँ पे हमारे वो उल्टे सीधे फंदे आएंगे ना आगे बटन पट्टी के, वहाँ तक हमने ऐसे ही बनाते हुए जाना है। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा डिज़ाइन स्टार्ट होता है। ये हमारा उल्टा फंदा है, तो हमने धागा पीछे करना है और ये पट्टी के फंदे हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये देखिए उल्टा, धागा अपनी तरफ को सीधा, फिर धागा अपनी तरफ को उल्टा, ये सीधा ऐसे करके। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हमारी बटन पट्टी कुछ इस तरह से दिखने लग गई है यहाँ पर। तो अब हमने फिर से यहीं से ही इस तरह से इसको यहीं से मुड़ जाना है, और इसको अच्छे से टाइट करके ऐसे बनाना है। ये एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, ऐसे करके ही इनको हमने बनाते जाना है। और बाकी जैसे आपका डिज़ाइन चल रहा है वैसे आप अपना डिज़ाइन चलाते रहें। अगर ये वाला डिज़ाइन डाल रहे हैं तो इसी को चला लें, अगर कोई और है तो उस तरह से बना लें उसको। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने यहाँ पे इसको इतना बना लिया, ये गला देखिए इतना, ये 1.5 इंच, ये पूरा 1.5 इंच हमारा बन चुका है। तो अब हमने यहाँ से इसकी घटाई शुरू करनी है, गले की कटिंग शुरू करनी है। तो देखिए इसको किस तरह से हमने बनाना है। ये हमने इतना यहाँ पे बना लिया, और उसके बाद हमने इसकी गले की कटिंग स्टार्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, पट्टी हमारी ये कंप्लीट हो गई गले की। उसके बाद देखिए, अब हमने गले को घटाना शुरू करना है, गले की शेप देनी है। तो यहाँ पर पहले फंदे को स्लिप किया, पट्टी के फंदों को हमने वैसे ही बुन लेना है जैसे हम बुनते आ रहे हैं, उल्टा और सीधा करके। ये 8 फंदे हैं, इनको हमने ऐसे ही बुन लेना है। ये देखिएगा, यहाँ तक हमारे पट्टी के फंदे कंप्लीट हो गए। अब उसके बाद हमने यहाँ पे देखिए, ये इन फंदों को हमने ऐसे ही रखना है, और आगे के 4 फंदे हमने कम करने हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ पे 2 फंदे बुनेंगे और उनको उनमें से एक दूसरे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। इस तरह से एक फंदा कम हो गया, जैसे हमने कंधे की कटिंग की थी ना वैसे ही यहाँ पर भी कटिंग करनी है। तो ये दूसरा फंदा है, 2 हो गए यहाँ पर, 3 हो गए, और ये 4 हो जाएंगे अब। तो यहाँ पे इस सिलाई में हमारे ये 4 फंदे यहाँ पर कम हो गए, यानी गले की कटिंग हो गई। उसके बाद हम 3 फंदे कम करेंगे, फिर हम 2 फंदे कम करेंगे। तो इस तरह से ही हमने इनको कम करना है। सीधी सीधी साइड पे जब आएंगे, रॉन्ग साइड पे आएंगे तो कुछ नहीं करना, जब सीधी साइड पे आएंगे तो इनको हमने कम करना है। और ये फंदे जो हैं इनको आप इस सिलाई में भी छोड़ सकते हैं, और या आप अपने किसी, ये जो होते हैं ना स्टिच होल्डर, इन पर भी आप यहाँ पर इनको डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब हमने अपने डिज़ाइन को सेट करते हुए इसको ऊपर तक बनाना है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैंने इन फंदों को तो डाल लिया स्टिच होल्डर पे, और बाकी अब हमने यहाँ पे 4 फंदे कम किए थे, अब हमने यहाँ पर 3 फंदे कम करने हैं। को सीधी साइड को, सीधी साइड से ही आप यहाँ पे घटाएं, तो ऐसे करके बुनना है और पिछले फंदे को ऐसे पास कर देना है। दो हो गए और ये अब हमारे 3 फंदे कम हो गए। तो ये हमारे यहाँ पे 3 फंदे यहाँ पर कम हो गए।
इस तरह से। तो अब हम इसके बाद दो फंदे कम करेंगे और उसके बाद जो हमारे फंदे यहाँ पे बचेंगे उनको हमने सीधा सीधा ऊपर को बुनते जाना है। जितनी हमारी इस कंधे की लेंथ है ना, पूरी जितनी हमारी ऊपर को लेंथ जाएगी उसी तरह से हमने इनको इस तरह से बराबर करना है, ऊपर तक बुनते जाना है। जो फंदे यहाँ पे बच जाएंगे हमारे, अब दो के बाद जो फंदे बच जाएंगे ना यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये फंदे हमारे यहाँ पे 11 फंदे यहाँ पर बच जाएंगे। तो उनको हमने ऊपर को यहाँ तक बराबर हाइट के इसके बुनते जाना है सीधा सीधा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कंप्लीट हो गया। गले का जो जो पट्टी बची थी ना साइड को बनने वाली, वो यहाँ पे देखिएगा, ये हमारी कंप्लीट हो चुकी। और अब हमने ऐसे ही ना दूसरी साइड की भी बना लेनी है। ये इस साइड को देखिए, ये हमारा ऐसे इस तरह से ये कंप्लीट हो चुका है। धागा हमने अलग कर दिया, अब हमने इस तरफ वाला भी ऐसे ही बना लेना है। जो हमारा ये वाला है, ये पोर्शन है, इसको भी हमने इसी तरह से बनाना है। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हमारी ये जो पट्टी है, अब हमने पट्टी जो है ना इस तरफ वाली पट्टी भी बनानी है, लेकिन वो देखिए किस तरह से बनानी है। तो ये बैक साइड है हमारी, ये फ्रंट साइड है इस तरफ को, तो ये हमारी बैक साइड है। ये बैक साइड पे आप देखिएगा कि यहाँ से ना हमने ये जो यहाँ तक हम बुनते हुए आ गए थे इस तरफ से, फिर हमने इस साइड को पूरा बुनना शुरू किया था। तो यहाँ पर हमने ये जो हमारे ये दिख रहे हैं ना आपको फंदे, ये उल्टे उल्टे फंदे दिख रहे हैं, पट्टी के फंदे हमने यहाँ से उठाना शुरू कर देने हैं, यहाँ से इस तरह से। तो अब देखिए हमने फंदे यहाँ पे उठा लिए बिल्कुल पट्टी के, देखिए इस तरह से ऐसे उठा लिए एक बारी में ही। अब हमने इनको ना बुनना शुरू हो जाना है यहीं से। तो यहाँ पे देखिए पहला फंदा हम यहाँ पर, ये इस तरफ से हम, हमारी ये पट्टी इस साइड से सीधी होगी ना, तो यहाँ पे ये फंदा जो है इसको हम उल्टा लेंगे, ये उल्टा होगा हमारा फंदा, और इस धागे को हमने अच्छी तरह से यहाँ पे टाइट कर लेना है, उल्टा उसके बाद सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर यहाँ पर ये उल्टा बंदा, ये उस तरफ को सीधा आएगा तो यहाँ पे ये सीधा हो गया। तो इस तरह से हमने इनको बना लिया, ठीक है। अब हमने जैसा हमारा डिज़ाइन है ना उसी तरह से अब हमने इसको बाकी फंदों को वैसे ही बुन लेना है। बाकी को फ्रेंड्स हमने वैसे ही बुनते जाना है जैसे हमने पहले बुना है। तो जितना हमने 1 से 1.5 इंच के करीब हमने इसको बुन लेना है इसी तरह से, ये बटन पट्टी को साथ साथ बुन लेना है। और फिर उसके बाद हम इसकी कटिंग भी वैसे ही करेंगे जैसे हमने दूसरी साइड की करी है। इसको भी हमने उसी तरह से घटाना है गले को गोल बनाने के लिए, ऊपर से 4 3 2 के ऑर्डर में ही हमने इसको घटाना है। अब फ्रेंड्स देखिए, ये जो है ना इसके बराबर जितना ये हो गया है, ये देखिए ये पट्टी हमारी इतनी हो गई है ना। तो अब हम बनाते बनाते यहाँ तक आएंगे और इस पट्टी को यहीं पे छोड़ेंगे और यहीं से वापस हो जाएंगे अपनी घटाई करते हुए, जैसे हमने यहाँ पे घटाया था उसी तरह से हमने इसको घटाते जाना है आगे। तो यहाँ पे देखिए अब हम आगे हैं, तो अब पट्टी के फंदों को हमने नहीं बुनना है, इनको ऐसे ही छोड़ देना है और इस फंदे को ऐसे स्लिप करना है, धागे को अपनी तरफ करते हुए इसको ऐसे बुनते हुए यहाँ से 4 फंदे हमने कम कर देने हैं। तो 1 2 3 और ये 4, तो ऐसे 4 फंदे हमने अब कम कर दिए। उसके बाद हम 3 और फिर हम 2, इसी तरह से जब उल्टी सिलाई पे आएंगे ना अगली बारी तो यहाँ पे 3 फंदे कम करेंगे, फिर अगली बारी जब उल्टी सिलाई पे दोबारा आएंगे तो फिर से 3 फंदे कम करेंगे। तो इसी तरह से बुनते हुए फिर उसके बाद हमने इसकी लेंथ को ऊपर को कंप्लीट कर लेना, जैसे हमने इसको बनाया उसी तरह से हमने इसको भी ऊपर को बना लेना है। उसके बाद फिर आगे का मैं फिर बताती हूँ कि इसको आगे हमने किस तरीके से बनाना है। तो
देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये दोनों तरफ से रेडी हो गए, गले की कटिंग हो गई, इसकी पट्टियाँ बन गई और यहाँ पे ये ऊपर तक तीरे तक जो है इसका ये रेडी हो गया। अब हमने इनको जोड़ देना है आपस में। तो ये जो पल्ला है इसको अब हम ऐसे रखेंगे इस तरीके से, और इधर से यहाँ से इसको जोड़ेंगे और यहाँ से इसको जोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हमने इन दोनों पल्लों को एक साथ ले लेना है, अगला पोर्शन और पिछला पोर्शन एक साथ ऐसे रखते हुए, ये देखिए इस तरह से, और ऐसे करके, और एक सिलाई हमें इसके लिए और चाहिए। तो अब हमने इन फंदों को ना यहाँ पे घटा देना है एक साथ, ये आपस में पल्ले ज्वाइंट भी हो जाएंगे और फंदे भी हमारे वाइंड ऑफ हो जाएंगे। तो देखिएगा हमने किस तरह से अब इनको बनाना है। यहाँ पे मैंने धागा यहाँ पे लगा लिया है और ये एक फंदा इधर से उठाएंगे और एक फंदा हम इधर से उठाएंगे। ये पहले भी फ्रेंड्स मैं बहुत सारी वीडियो में बता चुकी हूँ। अब ये दो फंदों का आमने सामने से एक हो गया। उसके बाद फिर से हम यहाँ से एक फंदा लेंगे और यहाँ से भी एक फंदा लेंगे और इन दो का भी हम एक बना देंगे। अब ये देखिए दो फंदे हमारे पास आ गए। यहाँ पे चार फंदों के हमने दो कर लिए। अब इन फंदों को एक के दूसरे के ऊपर ऐसे पास कर देना है, तो एक रह जाएगा। अब फिर से एक फंदा इधर से लेंगे और एक फंदा इधर से लेंगे और फिर इन दोनों का एक कर देंगे और फिर इस पिछले वाले फंदे को अगले वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो हमारा ये जुड़ भी जाएगा और यहाँ पर ये सारे फंदे जो है ना, इनको ये वाइंड ऑफ भी हो जाएंगे, अलग से सुई से जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से घटाई करेंगे और इस तरह से ही हम दो दोनों ये जो पार्ट हैं अगले पिछले, इनको जोड़ेंगे ना तो बहुत अच्छे से जुड़ जाते हैं, टेढ़े मेढ़े भी नहीं जुड़ते, बिल्कुल सीधे सीधे जुड़ते हैं, अच्छी फिनिशिंग आ जाती है ऐसे करके जोड़ेंगे। तो इस तरह से बस एक सिलाई एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि दो सिलाइयों पे तो फंदे चढ़े होते हैं ना, तो एक सिलाई चाहिए होती है इसके लिए अलग से। इस तरह से तो ऐसे करके ही हमने इन सारे फंदों को वाइंड ऑफ कर देना है। जो 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 ये अगली अगले पल्ले ना, उनको हमने यहाँ पे वाइंड ऑफ करना है इसके साथ। जो पिछली साइड वाले फंदे बच जाएंगे उनको नहीं करना, उनको हम गले की पट्टी के साथ बुनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये फंदे जो हैं हमारे सारे वाइंड ऑफ हो गए और ये इस तरह से जुड़ के आगे, देखिए बिल्कुल ये देखिए। अब ये जो एक फंदा है ना, अब इस फंदे को यहाँ पर हम इस तरह से लगा देंगे और यहीं पे छोड़ देंगे और फिर इस तरफ से हमने घटाई स्टार्ट करनी है। अब हम सिलाई को इधर की साइड लेके जाएंगे और इस साइड से हम घटाई स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, अब इस साइड वाले फंदे भी हमने यहाँ पे जोड़ देने हैं। ये तो हमारे यहाँ पे जुड़ गए, अब हमने इस तरफ वाले भी यहाँ पर जोड़ देने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ये कंधे जो हैं ये जुड़ गए, ये देखिए। अब फ्रेंड्स देखिए, हमने यहाँ पे ना अब गला बनाना है। तो गले के लिए ना मैंने यहाँ पे पतली सिलाई ले ली है, क्योंकि बाकी जो स्वेटर है वो मैंने 9 नंबर सिलाइयों पे बनाया है, तो यहाँ के लिए मैं 10 नंबर सिलाइयाँ जो है यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो ये जो इस साइड से मैं उठाना शुरू करूँगी, इस तरफ से ये यहाँ से राइट साइड से उठाते हुए जाऊँगी। तो इसको यहाँ पे ऐसे इन फंदों को मैं यहाँ से निकाल दूंगी और जो मेरी सिलाई है 10 नंबर की, उसके ऊपर मैं इनको ऐसे इस तरह से पिरो लूंगी। तो ये यहाँ पे मैंने ये सारे फंदे ऐसे उठा लिए। अब इसके बाद यहाँ पे धागा लगा के ना इनको, फंदों को हमने उठाना शुरू करना है। तो यहाँ पे देखिएगा, ऐसे धागे को लेंगे हम और ये जितने भी फंदे यहाँ पे आपको नजर आएंगे ना, जितनी भी सिलाइयाँ हमारी हैं यहाँ पर, वो सारे हमने ऐसे करके यहाँ से फंदे जो हैं वो उठाना शुरू कर देने हैं इस तरह से। देखिए ऐसे करके, और यहाँ पे आप एक अच्छे से नोट लगा लें धागे को। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हमने एक साइड से ऐसे उठा लिया ये पट्टी के बाद, ऐसे फंदे उठा लिए। तो इसके बाद ना देखिए, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं।
तो यहाँ पर हमने ये वाले जो फंदे हैं ना, जो हमारे बैक साइड वाले पल्ले के फंदे थे, बैक पोर्शन के जो थे, इनको भी हमने इसके साथ यहाँ पे बुन लेना है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोई होल ना आए। अगर यहाँ पे आपको लग रहा है कि कोई होल जैसे दिख रहा है यहाँ पे, तो इस तरह से यहाँ पे एक फंदा आप यहाँ पर उठा सकते हैं। इस तरह से उसको यहाँ से बुन के ले लीजिएगा, तो फिर यहाँ पे होल नहीं दिखेगा, क्योंकि इधर से भी फंदा उठा लिया है, इधर से भी, तो यहाँ ज्वाइंट हो जाता है, तो एक ऐसे थोड़ा खिंच सा जाता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा लूज हो जाता है। तो इस करके देखिए, अब यहाँ बिल्कुल भी होल नज़र नहीं आ रहा ना, तो बाकी जो है उनको हमने ऐसे सीधा सीधा बुन लेना है आगे तक, जो हमारे ये फंदे हैं इनको। तो यहाँ पे देखिए, ये फंदों को मैंने यहाँ तक बना लिया। अब हमने ना यहाँ पर फिर से वैसे ही आगे को फंदे उठाने हैं इस तरह से, तो यहाँ पे भी हम ऐसे फंदा यहाँ पे उठा लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ना इनको सर्कुलर निडल में डाल लिया है। अगर आपके पास इस तरह की नहीं है, सर्कुलर निडल नहीं है, तो आप पॉइंटेड निडल ले सकते हैं, जिन जो पहले चार सिलाइयाँ वाले गले को बनाने के लिए जो चार सिलाइयाँ होती थी ना, वो वाली आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उनसे आप आराम से इस गले को बना सकते हैं। उनको दो पे आप डाल दीजिए और एक से आप इनकी बुनाई कर दीजिए, तो इस तरह से भी आप इनको बुन सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, हमने ये जो ये ऊपर वाली पट्टी है ना, यहाँ पे मैंने एक सिलाई लगा दी है, क्योंकि मैंने सिलाई पूरी चेंज की है। दूसरी सिलाई पे मैंने फंदे उठाए थे, अब मैंने सर्कुलर पेस को शिफ्ट कर दिया है सारे। उसको बनाना इजी हो जाएगा, क्योंकि सीधी सिलाइयों पे, दो सिलाइयों पे ये बनाना थोड़ा इजी नहीं है, टाइट हो जाता है, तो अच्छे से नहीं बन पाता। तो यहाँ पर देखिए, अब हमने काज बनाना है, इसमें बटन होल बनाना है, इसमें जो ऊपर वाली पट्टी है ना, इसमें बटन होल यहाँ पे बनाना है, और नीचे वाली पट्टी पे हम बटन लगाएंगे। तो यहाँ पे अब हमने इस पे बटन होल जो है वो बनाना है। तो यहाँ पर ये देखिएगा, ये पहले फंदे को हमने यहाँ पे स्लिप किया अच्छे से, सफाई से। अब हमने बॉर्डर को बनाना है, और एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ को, एक फंदा उल्टा। ये चार फंदे बुनने के बाद अब हमारे पास चार फंदे हैं आगे इस पट्टी के। तो यहाँ पर अब हमने ऐसे करके एक जाली डालनी है, और यहाँ पर देखिए, ये दो फंदों का हमने एक बना देना है इस तरह से। अब धागा हम पीछे कर लेंगे, यहाँ पे होल हमारा बन गया, ये बाकी हम ऐसे ही एक सीधा और एक उल्टा बुनते जाएंगे सारी सारे इसमें। अब ये बॉर्डर जो है, ये हमने एक से डेढ़ इंच तक ऐसे बुन लेना है, एक इंच के करीब हमने इसको बुन लेना है उल्टे सीधे ऑर्डर से ही, इस तरह से जैसे हम बॉर्डर बनाया है ना, नीचे का बॉर्डर बनाया है उसी तरह से हमने इसको बुन लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका ये गला जो है बिल्कुल बनके तैयार हो गया। और फ्रेंड्स, अगर आपसे यहाँ पर ये जो हम यहाँ पे गले के लिए फंदे उठाते हैं ना, अगर यहाँ पर बाई चांस ज़्यादा फंदे उठ जाते हैं, यहाँ से पूरे साइड पे अगर कहीं ज़्यादा फंदे उठ जाते हैं, तो जब आप यहाँ बॉर्डर बनाने लगे, तो स्टार्टिंग में ही उन फंदों को आप घटा दें और बॉर्डर को आप यहाँ पे सेट कर दें। तो इस तरह से आप ये बना सकते हैं और फंदे जो हैं वो कम कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे इसमें 82 फंदे जो हैं वो रखे हुए हैं इसके गले के लिए, जो यहाँ पे उठाए वो 82 स्टिचेस यहाँ पे उठाए हैं। ये डिज़ाइन थोड़ा फैलने वाला है फ्रेंड्स, ऐसे खुलने वाला डिज़ाइन है ये, तो आप देख लीजिएगा आपके डिज़ाइन के हिसाब से, जैसे थोड़े बहुत कम ज़्यादा आप कर सकते हैं इसमें फंदे। तो इस तरह से हमारा ये इतना बन के रेडी हो गया है। अब हमने इसकी बाजू बनानी है आगे, तो बाजू के लिए हम बताते हैं कि आगे हमने कितने फंदे इसमें रखने हैं और किस तरह से हमने इसकी बाजू को बनाना है। फ्रेंड्स, बाजू के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 38 स्टिचेस, यानी 38 फंदे यहाँ पे मैंने बाजू के लिए रखे हैं, और 10 नंबर की सिलाइयाँ हैं, और उल्टे सीधे का बॉर्डर मैंने यहाँ पे इसमें बनाना है। जैसे मैंने इसके स्वेटर के नीचे से स्टार्ट किया है, वैसे ही इसमें भी बनाना है। लेकिन इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर हमने इसका ऊपर जाके जो डिज़ाइन है ना, वो थोड़ा सा यहाँ पे मैं ये वाला डिज़ाइन इस बाजू में यहाँ पे डाल रही हूँ। तो ये डिज़ाइन जो है ना फ्रेंड्स, यहाँ से ये जो फंदे डाले हैं, इसके ऊपर मैंने यहाँ पे बढ़ाया नहीं है बिल्कुल भी।
यहाँ से अब तक जितना ये मैंने बना लिया है ये मैं बता देती हूँ कि कितना बनाया है। तो बॉर्डर इसमें बनाया है मैंने, उसके बाद ये ऊपर को यहाँ पर इतना बनाने तक, देखिए इस डिज़ाइन में ये काफ़ी खुला बन जाता है यहीं से, तो इसमें मुझे अभी तक फंदे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। इसके बाद मैं थोड़े से फंदे और बढ़ाऊँगी, लेकिन इस डिज़ाइन में मुझे ज़्यादा फंदे नहीं बढ़ाने हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये 4.5 इंच है, तो 4.5 इंच में मैंने अभी यहाँ पर एक फंदा मैंने यहाँ पे बढ़ाया था और एक फंदा यहाँ पे बढ़ाया था। अब इसके बाद मैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे फंदे जो है वो बढ़ाऊँगी। इसमें टोटल ऐसे ही अभी कोई 47 या 48 के करीब ही फंदे यहाँ पे मैं रखूँगी, क्योंकि ये वैसे ही बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाएगा इस डिज़ाइन के अनुसार, तो ज़्यादा फंदे मुझे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ज़्यादा और कोई डिज़ाइन आप ले रहे हैं ना बाजू का, तो आप साइडों पे बॉर्डर के बाद एक बार आप यहाँ पे फंदे बढ़ा दीजिएगा बीच में। जैसे मैंने 38 फंदे रखे हैं, तो आप या तो बीच में फंदे यहाँ पे पहले सिलाई में फंदे बढ़ा दीजिएगा एक ही बारी में, तो आपका फिर भी सही आ जाएगा। अगर आप बीच में नहीं बढ़ा रहे हैं, साइडों साइडों में बढ़ा रहे हैं, तो तीसरी चौथी या पांचवी सिलाई में ऐसे फंदे साइडों पे एक एक फंदा बढ़ाते जाएं ऊपर तक। तो डिज़ाइन के हिसाब से भी थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पर मेरे पास ये जो डिज़ाइन है ये बहुत ज़्यादा फैलने वाला डिज़ाइन है, तो इस करके इसमें फंदे बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने यहाँ से 6.5 इंच तक मैंने इसको बनाना है ऊपर तक, फिर यहाँ पे 6.5 या 7 इंच तक मैं इसको बनाऊंगी, फिर उसके बाद यहाँ पे आर्म होल की कटिंग करूंगी, जो यहाँ पे साइडों पे कटिंग होगी ना वो मैं करूंगी। तो इतना मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह से इसकी कटिंग करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी इसमें बाजू जो है ये बिल्कुल तैयार हो गई, दोनों बाजू मैंने यहाँ पे तैयार कर दी। मैंने आपको ये यहाँ तक मैंने आपको दिखाया था कि मैंने इसका इतनी जगह तक मैंने यहाँ पे तक फंदे नहीं बढ़ाए थे, क्योंकि इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी थी। 5 इंच होने तक ये फंदे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। यहाँ से मैंने 38 फंदे रखे हैं और ऊपर यहाँ पे 48 फंदे मैंने यहाँ पर किए हैं ऊपर, क्योंकि ये जो डिज़ाइन है काफ़ी खुलने वाला डिज़ाइन है। तो अगर आप यहाँ पर कोई और डिज़ाइन इसमें डाल रहे हैं और इसको बीच में प्लेन या बीच में डिज़ाइन ऐसे डाल रहे हैं ना, तो आपको यहाँ पे फंदे या तो आप यहाँ पे 10-12 फंदे या 15 फंदे यहाँ पर बढ़ा दीजिएगा नीचे ही इस बॉर्डर में। यहाँ पर बॉर्डर जैसे ही बॉर्डर ख़त्म होता है उसी टाइम आप बढ़ा दीजिए, और उसके बाद आपको फंदे यहाँ पे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप नीचे नहीं बढ़ा रहे हैं ना, तो साइड में आप हर 5वीं सिलाई में या हर 3री सिलाई में आप एक एक फंदा साइड पर बढ़ाते जाएँ। तो मैंने इसी तरह से यहाँ साइडों पर बढ़ाए हैं, नीचे से नहीं बढ़ाए, क्योंकि नहीं तो बहुत बड़ा बाजू ये बन जाता। तो इस करके मैंने साइडों पे यहाँ पे फंदे बढ़ाए हैं, और यहाँ तक मैंने ऊपर यहाँ तक जब इसकी कटिंग स्टार्ट की है ना, कटिंग स्टार्ट करने तक मैंने इसमें 48 फंदे जो हैं यहाँ तक बढ़ाए हैं, 48 फंदे यहाँ पे किए हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये जो बाजू की यहाँ से कटिंग की है, यहाँ पे जैसे हमने अपने स्वेटर का जो आर्म होल है उसके कंधे की कटाई की है, यहाँ से जो कटाई की है इसकी स्वेटर की, देखिए तो ये भी हमने 4-3-2 के उसमें ऑर्डर में की है। तो यहाँ पर भी मैंने यही किया है, यहाँ पे भी यहाँ पहले सबसे पहले 4 फंदे घटाए, फिर 3, फिर 2, इस तरह से। और फिर उसके बाद एक सिलाई बुनने के बाद मैंने इसको बंद कर दिया है, सारे को ही यहाँ पे बंद कर दिया, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे का ये है ना स्वेटर, तो इसको ज़्यादा शेप देने की ऐसे ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो ये देखिए हमारी इसकी जो लेंथ है ना, वो मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी लेंथ हमारी इसकी बनी है। यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना 7.5 इंच मैंने इसको बनाया है, 7.5 इंच इसको बनाया है, दोनों को एक बराबर यहाँ पे, दोनों का एक बराबर ही फंदे रख के दोनों की एक बराबर यहाँ पे कटिंग की हुई है, और इसी तरह से। तो अब हमने इसकी सिलाई शुरू कर देनी है यहाँ पर, अब हमने इसको यहाँ पे जोड़ना शुरू कर देना है। या तो आप बाजू को पहले जोड़ लीजिए फिर आप इसमें अटैच कर लीजिए, या फिर आप इस तरह से भी अटैच कर सकते हैं इसको, इस तरीके से आप इस यहाँ से लेंगे एक साइड से, ऐसे इस तरह से आप इसको सिलते हुए चले जाएंगे, इस तरीके से भी आप यहाँ पे इसको जोड़ सकते हैं ऊपर तक, और जोड़ते हुए आपका यहाँ पर इस साइड को आप ये इस तरह से आप जोड़ सकते हैं इसको। तो ये हमारा ऐसे एक बराबर इस तरह से ये आ जाएगा, तो आप इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर आप चाहें तो पहले आप इसको यहाँ से जोड़ दीजिए और बाजू को भी जोड़ लीजिए,
ये जैसे हम शर्ट का जोड़ते हैं ना, कपड़ों में जोड़ते हैं, वैसे भी आप जोड़ सकते हैं। तो यहाँ से भी जोड़ के पहले यहाँ से जोड़ दीजिए, फिर यहाँ से इसको जोड़ दीजिए, और फिर बाद में हम इसको यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसको सिल के फिर आगे आपको दिखाती हूँ कि हमारा ये स्वेटर कैसा लग रहा है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा ये बेबी स्वेटर बन के बिल्कुल रेडी हो गया। ये देखिए इसकी स्टिचिंग भी हो गई इस तरह से, ये देखिए, और बनके बिल्कुल तैयार हो गया ये। ये देखिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये कैसा लगा वीडियो आप मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इसमें दो तरह के डिज़ाइन जो हैं वो डाले हैं, यहाँ पे अलग डिज़ाइन डाला है और ये ऊपर मैंने अलग डिज़ाइन, और बाजुओं में बाजू और यहाँ पे आर्म होल के ऊपर मैंने अलग डिज़ाइन इसमें डाला है, जो कि इस तरह से दिखने वाला है। ये डिज़ाइन भी बहुत बढ़िया है, और इसका वीडियो भी मेरे चैनल पे जा चुका है तो आप वो देख सकते हैं। और यहाँ पर इसका डिज़ाइन भी मेरे चैनल पे है तो वो भी आप देख सकते हैं। मैं उनका, इन दोनों का ही लिंक जो है वो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, ताकि आपके लिए ईजी रहे। और ये डिज़ाइन तो मैंने इसमें बना के भी दिखा दिया है ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो इस करके। और ये स्वेटर जो है फ्रेंड्स, ये 1 साल के बच्चे के लिए स्वेटर है ये, लेकिन आप इसको छोटे से छोटा और बड़ा भी बना सकते हैं इसी तरीके से। इसका जो आइडिया है वो आप ले सकते हैं, और इससे आप बड़ा या छोटा जैसा भी हो आप बना सकते हैं। इसका जो फुल मेजरमेंट है फ्रेंड्स, इसका देखिए ये 11 इंच है हमारा ये स्वेटर, टोटल इसकी लेंथ जो है वो 11 इंच है। और इसका ये जो है ना डिज़ाइन, ये काफ़ी खुलने वाला डिज़ाइन है, इसके दोनों डिज़ाइन ही ऐसे हैं। तो ये भी देखिए यहाँ पे 10 इंच है इसका, जो इसका चेस्ट है यहाँ पे 10 इंच है। और इसकी जो बाजू है वो मैंने यहाँ पे ली है, यहाँ से यहाँ तक ये 7 इंच है, 7 इंच है, और टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 10 इंच है, ये गले से लेके यहाँ तक 10 इंच है। तो ये हमारा 1 साल के बच्चे के लिए काफ़ी सही है। तो फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर ट्राई करें, और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू फ्रेंड्स।